राधे राधे श्याम, आप लोग कैसे हैं? आज हम मदन मोहन मंदिर में आए हैं। राधे 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 श्याम। तो आज हम लोग श्रुति के साथ मदन मोहन मंदिर आए हैं और आप लोग इस वीडियो को आगे हम इस वीडियो के अंदर और भी मंदिर के दर्शन डालते रहेंगे। और आज हम मदन मोहन मंदिर आए हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है मदन मोहन मंदिर। यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। और ये सामने परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में आज देव सौनी एकादशी है। देव सौनी एकादशी के दिन सभी जो देव होते हैं वो सो जाते हैं और 4 महीने के लिए सोए रहते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो ये जो मंदिर है पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये मदन मोहन जी का मंदिर है। ये मंदिर भगवान ने स्वयं ही निर्माण करा है। और कैसे करा है, तो जो गौरांग महाप्रभु के जो शिष्य हैं सनातन गोस्वामी, वो यहाँ पे भजन करते थे। तो और यहाँ ये मेरे सामने से ये यहाँ नीचे से पूरी यमुना जी बहती थी। यमुना जी अभी उस तरफ चली गई, बिल्कुल एंड में देख रहे होंगे आप लोग, दर्शन हो रहा होगा आपको, वहाँ पे चली गई। तो यमुना जी उस समय यहीं तक बहती थी। तो जब यहीं और जो ये जो टीला है, ये जो टीला है इसे मदन मोहन टीला कहा जाता है। यहीं पर मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ था। और वो विग्रह आज करौली राज्य में, करौली एक जगह है, वहाँ पे वो सेवा होती है उनकी। तो यहाँ पे बहुत पानी बहता था, तो ऐसे ही एक टीले के ऊपर वो सनातन गोस्वामी जो थे वो भजन करते थे। तो जो दोस्तों यहाँ तक जो था यमुना जी बहती थी, और यमुना जी बहती थी तो इसी रास्ते से दिल्ली से मथुरा के लिए जो लोग व्यापार करते थे वो जहाज के रास्ते इसी यमुना जी से ही जाया करते थे। तो एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी था, नमक का व्यापारी, वो यहाँ से निकला तो उसका जहाज यहाँ पे अटक गया। तो यमुना जी ने, तो उसने देखा कि यहाँ वृंदावन में उस समय कुछ नहीं था, केवल ये एक टीला ही था। उसने देखा कि यहाँ पे एक टीले पे दीपक जल रहा है, तो दीपक जल रहा था तो उसकी नाव अटक गई। और नाव अटक गई तो नाव में आगे कैसे चले, उसको बहुत डर लगा कि कहीं मेरा ये सब जो सामान है, जो व्यापार है, कहीं रह नहीं जाए, डूब नहीं जाए। तो उसने मंदिर पे आया तो उसने देखा कि यहाँ पे केवल सनातन गोस्वामी है। और सनातन गोस्वामी जो थे वो केवल भजन करते थे, वो अपने भजन में लिप्त थे। तो जो व्यापारी था, व्यापारी कहने लगा सनातन गोस्वामी जी से, बोले हमारी नाव अटक गई है पानी के अंदर, तो उसे आप निकलवा दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, बोले हम जानते हैं, बोले किसने तुम्हारी नाव को अटकाया है। तो बोले किसने अटकाया है, तो बोले जो ये ठाकुर जी हैं, मदन मोहन जी हैं, उन्हीं ने अटकाया है। तो बोले आप कैसे निकलेगी, तो बोले आप, बोले यदि मेरी व्यापारी जो होता है वो कहता है यदि मेरी नाव अगर निकल जाएगी यहाँ से, तो मैं जो मंदिर है उसका जो पीछे मेरे है, इस मंदिर का निर्माण मैं खुद कराऊँगा। तब मदन मोहन जी ने लीला करके और उनकी नाव को निकाल दिया और वो मथुरा चला गया। अब मथुरा में जाके जब उनको उस समय पे, उस टाइम पे उनको जो वो नमक था उनका एकदम डबल भाव में बिका और बहुत ज़्यादा उनको लाभ हुआ। तो वापस आते वक्त उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों कि ये जो मंदिर है ये खुद ठाकुर जी ने ही बनवाया है। और ये मेरे इस तरफ जो है सामने की तरफ समाधि है, ये वहाँ पे, ये वहीं पे उनको समाधि दिया गया था और ये उनकी समाधि है।
एक और बात दोस्तों, जो आप मेरे पीछे मंदिर के पीछे जो ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर मंदिर के जो गुम्बद है, जो ऊपर जो गोल गोल जो होता है गुम्बद, वो टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे दीपक जलता था उस समय पे, और यहाँ से फतेहपुर सीकरी में जो राजा औरंगजेब था, मुस्लिम राजा, उसको वो दीपक दिखाई देता था, तो वो उसको ये अच्छा नहीं लगता था। तो उसने अपने जो सैनिक लोग थे उनको कहा कि वहाँ पे जो कुछ है वहाँ पे दीपक जो जलता है उसको तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आके उस समय औरंगजेब ने अपने साथियों के साथ में ये गुम्बद को तोड़ दिया था और ये मंदिर को खंडित कर दिया था। खंडित होने के कारण ही ये मंदिर, ये ठाकुर जी करौली चले गए राजस्थान। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। और जो भगवान के दर्शन है, आप लोग सोच रहे होंगे हमने भगवान के दर्शन क्यों नहीं कराए, तो भगवान के दर्शन इसलिए नहीं कराए क्योंकि भगवान के दर्शन कराना उधर अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी उधर अलाउ नहीं है। इसलिए मैं आपको बाहर से ही एक बार फिर से मंदिर के दर्शन करा देते हैं। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? ये छोटी बच्ची है, इसका उसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। दोबारा हम ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर आएंगे और अलग अलग मंदिरों में, आपको वृंदावन के मंदिरों में आपको दर्शन कराएंगे। तो राधे राधे, राधे श्याम। बेस्ट ऑफ लक यू। लाइक, शेयर करें, कमेंट करें।